अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये देखें आपका ईसा सुबह सुबह काम लगा हुआ है, एसी वाले कमरे से ना पिलोज ला के तो आप यों वाले रूम में रख रहा है, जाकर बहुत काम कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। सद के जावा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने उन्हें कहा है ना कि चलो समेटो सारे बिस्तरे सेट करें, उठो, क्योंकि 2:15 हो गए। तो वो ना चेक करें, वो आप ही होकर रूम में लेके जा रहा है। ये पिलो मेरे रूम के दे दो। मोहम्मद ईसा, ये कार्टून देख हो रहे हैं कि शरारतें हो रही हैं? शरारतें कर रहा है काका, शरारतें कर रहा है काका। मैं सदके जावा सदके जाइए, दीवार ठंडी है ना इसलिए मेरा ख्याल है। सदके जाइए, सदके जाइए, ठंडी दीवार है, ठंडी दीवार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंजॉय कर रहा है मेरा पुत्र। मास्क इतना जरूरी है लेकिन शर्ट जरूरी नहीं है। नहा क्या है तो आके मास्क पहन लिया लेकिन ना शर्ट नहीं पहनी। बड़ा कोरोना चल रहा है भाई, कोरोना का दौर आ गया। अल्लाह ना करे, चेक करे मास्क कितना जरूरी है। यकीन माने कि कुछ दिनों से ज़िंदगी जीने का मज़ा ही जैसे अधूरा सा नहीं होता। सारा सारा दिन लाइट नहीं आती और सारा सारा दिन हम लाइट का इंतज़ार करते रहते हैं। आज तो यकीन माने कि 5 मिनट के लिए भी पूरी लाइट नहीं आई। सारा दिन ईसा को बग़ैर शर्ट के हम कूलर के आगे लेके बैठे रहे, क्योंकि वो UPS पे चलता था। ठीक है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी भी वो बग़ैर शर्ट के कूलर के आगे लेटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है ना वो सिर्फ 100 आ रही है। मैंने खुरम साहब को 3 से 4 दफ़ा फ़ोन कर चुकी हूँ, ऑडियो मैसेज कर चुकी हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं वो आ गया है बाहर सही करने वाला, लेकिन जो ना पीछे से ही लाइट पूरी नहीं आ रही। ये हालात हो गए हैं, पता नहीं क्या है। और आज इतनी ज़्यादा सख्त किस्म की गर्मी है। अबरिश फातमा भी मेरे लिए बना के लेके आई है स्नैक्स, यानी कि चाय और सैंडविच। ये है चिकन टिक्के जो होते हैं ना पीसेस के, उसका सैंडविच है, तवा सैंडविच ही है, कोई लाइट नहीं है ना, इसलिए सैंडविच और चाय बना के लेके आई है अम्मा के लिए, क्योंकि चाय गर्मी हो या सर्दी हमें चाहिए चाय। तो चाय टाइम है, साथ चाय पीते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, सोया है, तो अब हम अपना टाइम इंजॉय करते हैं। साथ ही साथ का मुझे व्लॉग भी पोस्ट करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। आज टाइम तकरीबन 6:45 होने वाले हैं और अभी ना पोस्ट किया तो फिर टाइम निकल जाएगा। डाटा पे पोस्ट करते हैं या बिंगल देखती हूँ मैं, चला चला के दोबारा देख रही हूँ, क्योंकि 100 के ना बीच बीच है ना, 100 से ऊपर जा रही है ना 100 से पीछे आ रही है, लेकिन यह डिवाइस चल रही है। तो मुझे है कि मैं उतनी देर में ना पोस्ट कर लूँ व्लॉग। से लाइट आई है, हर चीज़ को मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ। जो मेरे हाथ में मोबाइल है सबसे पहले मैंने उसे चार्जिंग पे लगाया। ठीक है, मैं बाकी भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सेकंड नंबर पे मैंने अपना आईफोन चार्जिंग पे लगाया, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। थर्ड नंबर पे ईसा का टैब चार्जिंग पे लगाया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ईसा लाइट आते ही दूध पीने में मशगूल हो गया है। ठीक है, सदके जाइए, सदके जाइए, पी लो पी लो, लेट के पी लो, लेट जाओ, लेट जाओ। कि इतना प्यारा लग गया था मौसी, इतना प्यारा लग गया था। और ये भी बहुत ज़्यादा, रैकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब लाइट जाती है मच्छर बहुत ज़्यादा आना शुरू होता है। ये भी चार्जिंग पे लगा दिया। पावर बैंक जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी चार्जिंग पे लगा दिया। और एयरपोर्ट भी चार्जिंग पे लगाने, एक और पावर बैंक है उसे भी चार्जिंग पे लगाना है। इतना कुछ हमने चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि डर है कि 15 मिनट बाद जो है ना लाइट दोबारा चली जाती है। ये लीजिए एक और पावर बैंक मैंने चार्जिंग पे लगा दिया, क्योंकि ईसा के लिए बहुत ज़रूरत होती है पावर बैंक की। और अभी मेरा एयरपोर्ट रहते हैं चार्जिंग पे लगाने वाले, एक फ़ोन रहता है, लेकिन मुझे इस टाइम है ना वो नहीं मिल रहे, चार्जर के अडॉप्टर नहीं मिल रहे। ये मैंने एयरपोर्ट भी लगा दिए हैं, ब्लूटूथ लगानी है मैंने, बस मैं अब ना जगह ढूंढ रही हूँ। आज तो जनाब मज़े मज़े आ गए हैं, शाम के खाने में आई है कड़ी,
पकौड़ों वाली चक्कर इतने मुझे मुझे के पकौड़े 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 यम। ये देखे मेरा खूबसूरत लड़का लाइट गई हुई पे भी आजकल हमारा जुनून हमें सवार है कार्टून्स का। सदके जाइए सदके जाइए। कहाँ जा रहे हो? बाहर नहीं जाना, अंधेरा है, लाइट नहीं है। बाहर नहीं जाना। वेयर आर यू? अपने कार्टून देखो। हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह, मेरी जान है टोटा है। ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, ऐसे बताया करो ना कि ये वाले कैसे होते हैं। ये देखो ऐसे होता है। टिश अच्छे पा रहे हो, बहुत अच्छे पा रहे हो मोहम्मद ईसा। अच्छे इधर देखो, मेरी तरफ तो देखो मोहम्मद ईसा, इधर देखो। अच्छे लड़के, अच्छा नहीं देखता नहीं। चलो ठीक है, हम यहाँ अपने व्लॉग का करते हैं एंड। आजकल व्लॉग, आज का व्लॉग आजकल नहीं है, मैं पिछले व्लॉग तो काफ़ी बड़े थे, आज का व्लॉग थोड़ा सा छोटा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सारा दिन लाइट नहीं आई और रूम में जब होते थे तो तब अंधेरा होता था। और ईसा कुछ टाइम ऐसे भी था कि ईसा बिल्कुल, वो हम लोगों ने उसे नहला के उसकी कमीज़ वगैरह उतारी हुई थी तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने ज़्यादा शूट भी नहीं किया। जितना शूट हुआ उतना आपके साथ शेयर करूँगी और कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में ईसा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।